तो ये समय है कि हम आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति करें। हम विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज्य की बात, हम मोदी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम जो है ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो स्वर्गीय राज्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसानों के लिए प्रार्थना करें, बेचारे वो बहुत परेशान में हैं और उनको उनके दाम मिलना चाहिए, ये मैं भी विश्वास करता हूँ। हालेलुया, तो उनके लिए हमें प्रार्थना कर रहे हैं, हम सारे सभाओं में प्रार्थना की, इस सभा में भी प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम सब खड़े हो जाएं प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में। जिनके घुटने दर्द कर रहे हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन जिनके घुटने दर्द नहीं है वो कृपया खड़े हो जाइए और हमारे साथ हालेलुया आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करें। Oh,
स्वामी यदि तुझको आज पुकारे उसके हाथों में तेरा सब चिंताएं दुख सारे उसके हाथों में तेरा सब चिंताएं दुख सारे हो महिमा में जीवन जब सामना करेंगे तो क्या होगा? हाँ, शैतान के जो है ऊपर हमें विजय प्रभु ने पहले से दे रखा है। हम बहुत बार शैतान को डरते हैं, अरे वैसा हो गया, अरे वैसा हो गया, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, कुछ परिवार में मैं गया था शुक्रवार को, उनको काउंसलिंग कर रहा था और वो बता रहे थे कि वो शैतान आता है और बहुत ऐसा होता है और शैतान ने ऐसा क्यों करके दिखाया, शैतान ने वैसा क्यों करके दिखाया। वो शैतान के ऊपर इतनी टॉक हो गई हमारी। तो मैंने कहा भैया एक बात तो मैं जानता हूँ कि शैतान का सामना करेंगे तो वो भाग जाएगा, ऐसे बाइबल में लिखा है, साफ साफ बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जो अधिकार था वो क्रूस के द्वारा हट गया। अब हम शैतान के अधिकारी हैं, अब हम शैतान को काबू कर सकते हैं, अब हम शैतान को नष्ट कर सकते हैं पवित्र जीवन जी के। हालेलुया, जब आप पवित्र जीवन जिएंगे अपने आप शैतान आपसे दूर हो जाएगा। जब आप वचन पढ़ेंगे अपने आप शैतान दूर होगा। प्रार्थना करेंगे अपने आप शैतान दूर हो जाएगा। स्तुति आराधना करेंगे अपने आप शैतान दूर हो जाएगा। बहुत बार दुष्ट आत्मा आते हैं, अरे इसमें दुष्ट आत्मा है, तो लोग एकदम देखना चाहिए इसमें दुष्ट आत्मा है, हे बाप रे, है दुष्ट आत्मा है, वो चिल्लाता है, हे बाप रे। तो ये क्या हो गया? ये सब जो है शैतान का डर आपके अंदर आ गया। वो उसी को देखते रहते यहाँ के मुझको पकड़ना ले। तो इस प्रकार की शैतान का जो है वो डर उनके अंदर आता है। लेकिन जब वो प्रभु के भवन में आता है तो सबसे पहले क्या होता है? चलो हम गाना गाते हैं यीशु के नाम, फिर वह प्रभु यीशु के लहू के गाने गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। तो क्या हो जाता है? वो दुष्ट आत्मा अपने आप तड़पना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक जगह पर रह नहीं सकता। प्रभु की स्तुति और आराधना के सामने वो ठहर नहीं सकता, उसको बहुत अस्वस्थता होती है। हालेलुया, कि वो दुष्ट आत्मा आती है। तो वो कुछ कुछ लोग होते हैं कि जो अभी भी देख रहे हैं, वो तो एकदम उसी को देखते रहते हैं। अरे मैं कहता हूँ अरे छोड़ दो ना, वो किताब देखो, वहाँ पे गाना गाओ। नहीं नहीं, वो तो क्या करेगा अब बताओ, वो अब क्या करेगा? वो सोचते रहते कि अब क्या करेगा। हालेलुया, अरे उसका अधिकारी प्रभु ने हमको ठहराया है। हालेलुया, तो शैतान का सामना करो, वो भागेगा। बहुत सारे लोग कहते कि मेरे घर में है ना कुछ पास्टर, कुछ है नहीं? हाँ कुछ है। तो इस घर में ना पहले ना किसी ने आत्महत्या करी थी। अच्छा, तो तुम्हारा क्या विचार है फिर? तुम्हारा क्या विचार है फिर, क्या करना चाहते थे? इतने नहीं, इस घर में किसी ने कुछ यार। अरे भाई ठीक है, करा था, कर दिया होगा, तो वो करके मर गया, उसने कर, उसके करता धरता उसका सब कुछ मिल गया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जीवन चाहिए कि क्या चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके घर में चाहे किसने कितनी भी आत्महत्या करी हो, किसने कितने भी लड़ाई झगड़े करे हो,
क्योंकि उन्होंने जो कुछ रखा था उनके देवी देवताओं ने उनका देवी देवताओं का जो है प्रकट हो गया उनके ऊपर और वो कर दिया। लेकिन आपके अंदर बाइबल में क्या लिखा है, मैं फिर उनको बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो आज आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे शैतान नहीं आ सकता, आप जब घर छोड़ के जाएंगे वो शैतान फिर से आएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको क्या दिया है, यीशु नाम और शैतान को भगाने का अधिकार। चलो लेट अस सिंग दिस सॉन्ग, हालेलुया। शैतान का सामना करो भागेगा, हालेलुया। वो तो पहले से हारा हुआ
प्रभु का वचन हालेलुया बताता है कि शैतान का सामना करो और इसलिए हम शैतान का सामना करते हैं। हालेलुया, हम प्रभु के लिए गीत गाएंगे और एक हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। आपको आनंद है क्या? प्रेज लॉर्ड। और गाना गाएंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं? खड़े होने के लिए बताएंगे प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। प्रेज लॉर्ड। नाचेंगे लिए बोला तो प्रॉब्लम नहीं? तो नाचते क्यों नहीं? तुम्हें नाचना शुरू करो, ठीक है? अभी नाचना शुरू करो। यस, लेट अस सिंग। स्टेप लेना शुरू करो। अभी तो क्रिसमस कार्यक्रम, नाचना तो पड़ेगा ना। अभी स्टेप लेना शुरू करो, थोड़ी शर्म निकल जाएगी, है ना? ऐसे ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करना, ठीक है? Yeah.
के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो सीधे स्वर्ग में जा रहे हैं, हालेलुया। और वो जो है आशीष लेके आप ही के पास आएंगे, और इसलिए आपको स्तुति करना कितना ज्यादा जरूरी है। ए मौसम, आज मौसम को देखिए बड़ी खुशी हो गई, हालेलुया। मौसम स्तुति करना है जोर से, हालेलुया। तेरे लिए प्रभु की आशीष आने वाली, हर एक जन के लिए आशीष आने वाली है, हालेलुया। यह स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है, फिर वो स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। देखो नीचे आती है प्रभु।
हालेलुया प्रभु हमारा महान परमेश्वर, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है। हालेलुया आज हम थोड़े समय के लिए आपकी जो भी प्रार्थना विनती है प्रियो, अपने हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया आपकी प्रार्थना विनती बहुत अलग है, लेकिन मांगो प्रभु से। हालेलुया प्रभु से कहना, प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर, प्रभु तू हालेलुया मेरे जीवन को आशीषित कर। हालेलुया प्रभु हमारी यामिनी को चंगाई दे, प्रभु परमेश्वर नैन्सी को, प्रभु शैली, प्रभु सबको प्रभु चंगाई दे, तीनों बहनों को चंगाई दे। हमारी मौसम को प्रभु अपने हाथों में ले, मौसम को तूने चंगाई दे दी प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बुरा बाबा शखदा कर अंदाला बाबा रबा बरा बरा बा, और प्रभु परमेश्वर यहाँ पे आए हुए हर एक जन को आशीषित कर। ओ प्रभु परमेश्वर हमारे बच्चों की शादियाँ तेरे हाथों में सौंपते हैं। ओ रा बाबा संदा रबा बरा 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 बा, हर एक जन को आशीषित कर, हर एक जन को आशीषित कर, तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि बरसा दे प्रभु जी। हालेलुया मांगिए मांगिए, प्रभु से जो मांगना है मांगिए। हालेलुया प्रभु आपकी आराधना पर खुश हो गया है, प्रभु आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया प्रभु कहता कि सुलेमान ने कहा कि मांग तुझे क्या, सुलेमान को प्रभु ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, अब मांगिए प्रभु के भवन में। हालेलुया प्रभु आपको देने वाला है वो सारी चीजें। हालेलुया जो जो मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा प्रभु कहता है। हालेलुया अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। पिता से जो कुछ मांगोगे यीशु के नाम से वो सब मैं तुम्हें दूंगा प्रभु कहता है। हालेलुया आइए हम अपने घुटने टेके प्रभु के सामने। हालेलुया हम प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु, तेरे सामने घुटने टेकते हैं, तेरे सामने झुकते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू ही महान परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिंदा खुदावंद है। मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। हे परमेश्वर तेरी सेवा मेरे द्वारा हो। हम किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, अपना घर छोड़ के आए हैं प्रभु, उनकी मांगे पूरी हो है। जो प्रभु परमेश्वर पिता वो मेहनत करते हैं उनका प्रभु फल उनको मिलने पाए। हमारे मोदी जी को दरिया दिल दे प्रभु जी, सबके लिए प्रेम करे प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु जी। यहाँ पे आए हुए हर एक जन को आशीष दे, यहाँ पे आए हुए हर एक जन को शांति दे प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी कर, उनके बंधनों को तोड़ दे, उनके जीवन की रुकावटें दूर कर। हर एक जन को आशीष दे, हर एक जन को आनंद दे। जिनके परिवार के सदस्य नहीं आए प्रभु जी, उनको आने की इच्छा दे, और प्रभु तेरी महिमा हो। और जितने सारे भाई बहन आए हैं आज, हम प्रभु के भवन से अपने घरों में आशीष भेजते हैं, अपने परिवार पर आशीष भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों पर आशीष भेजते हैं। तेरी पवित्र आत्मा मंडलाए और तेरा पवित्र अभिषेक उतरा है। सारे बलवान दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं जो हमारे विरोध में आते हैं, कैलवरी चर्च के लोगों के विरोध में आते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं, यीशु के नाम से बांध देते हैं। तेरी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर उतर आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस बिल्डिंग के लिए, और जिन अधिकारियों ने हमें ये बिल्डिंग दी है प्रभु ताकि हम आराधना कर सके, उन अधिकारियों को आशीष दे। और प्रभु हम विशेष रीति से पास्टर रॉबर्ट जयराज के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जी हमारे सीनियर पास्टर को आशीष दे, और प्रभु उनके परिवार में तेरी आशीष दे प्रभु जी। उनके रिश्तेदारों में से एक व्यक्ति को उन्होंने खोया है, उनकी डेथ हो गई है प्रभु जी। हे प्रभु दो व्यक्तियों की, और उनको तू शांत बना दे प्रभु। वो निराश है, उनकी निराशा दूर कर, वो दुखी है प्रभु, उनका दुख दूर कर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कैलवरी चर्च के हर एक जन को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के वरदान मिलने दे, पवित्र आत्मा के फल लगने पाए, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम हमारे जीवन में लगने दे, हमारे घर को आशीष दे, हमारा घर एक छोटा सा स्वर्ग बन जाए,
यीशु के नाम से। हे प्रभु हमारे घर में आशीष दे, आदरी शांति दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद 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 धन्यवाद, आमेन आमेन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु की स्तुति करते हैं। ये सुंदर सा समय परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया उसके नाम की आराधना करने के लिए, उसके नाम को धन्य कहने के लिए, हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर के भवन में रह के। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने सुंदर सा भला अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया ताकि हम उसके नाम को धन्य कह पाए, उसके नाम की आराधना स्तुति प्रशंसा कर पाए। और मैं हमारे पास जी की तरह अच्छी तरह प्रचार करना तो नहीं जानता, हाँ,
क्योंकि एक बार जब वो प्रचार करना शुरू करते हैं तो हाँ एक बार जब वो प्रचार करना शुरू करते हैं तो एक रथ पे बिठा देते हैं, पूरी दुनिया का ब्रह्मांड कराते हैं। उनको मन करता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ। और हमारे चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एज अ विजिटर बन के आते हैं, एज अ विजिटर वो लोग बन के आते हैं, एक बार जाके देखना, एक बार जाके कलीसिया का क्या सिस्टम है। और ज़्यादातर लोगों ने इस प्रकार से कहा है कि आपकी जैसी जो कलीसिया है वो हमने शायद ही कहीं देखी होगी, क्योंकि जन्म के मसीह यहाँ पे बहुत कम आए हैं ना, बहुत कम आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो दूसरे स्थानों से आते हैं, हम समझ पा रहे हैं, दूसरे स्थानों से है ना, अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग विश्वास से जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया होता है तब वो लोग आते हैं। और उनको उनको नर्चर करना है ना, एक छोटे से बच्चे का लालन पालन कैसे किया जाता है, ऐसे उनके जो विजिटर्स हैं उनके बोल हैं कि उनका उनको नर्चर करना, स्पिरिचुअली उनको बढ़ाना, आत्मिक तौर से उनको बढ़ाना है ना। इन सारी चीज़ों की अच्छी जो बातें हैं वो हमारे पास जी के अंदर पाई जाती है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर दिन के उपलक्ष्य में हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, प्रभु के वचन के हम समीपता में आएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमारी ओर है और हम परमेश्वर के वचन से कुछ मनन कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकते हैं। हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आज हम देखेंगे सौभाग्य और हमारी जिम्मेदारियां, सौभाग्य और हमारी जिम्मेदारियां। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। मैं हमेशा जब भी इस बात की अपने जीवन में परख करता हूँ कि कैसे कैसे सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिए हैं, है ना, ऐसे स्थान में जब हम रहते हैं, है ना, ये स्थान अभी हाल में एक व्यक्ति, इन दिनों में कुछ समय से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और हाल में एक व्यक्ति मेरा मित्र बना और उसने बोला कि मैं 1.5 लाख रुपये हर महीने अपने घर का किराया दे रहा हूँ। मैं हर सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो उसने उस भाई ने बताया कि यहाँ पे हर सुबह, मतलब जब वो आता है तो उसने इस प्रकार से कहा कि हर सुबह हर महीने मैं 1.5 लाख का ना अपने बिजली का बिल और सब कुछ उसको हटा के सिर्फ किराया मैं 1.5 लाख दे रहा हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिछले 27, 28, 29 सालों से ना वर्षों से परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को यहाँ पर रखा है। हाँ, ये मैं कहूँगा पैसे का कमाल नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है और साथ ही साथ उसकी ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें इस जगह पे नियुक्त किया है। इस स्थान से कलवरी कलीसिया को परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे विस्तृत किया है, है ना। हम पाते हैं यहाँ से एक व्यक्ति आता था और उसने 200 250 300 कलवरी चर्च स्टार्ट किए। यहाँ से लोगों ने जाके अलग अलग जगहों पे स्कूल शुरू किए, अलग अलग काम शुरू किए, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर ने एक मैं कहूँगा आत्मिक मर्यादा डाली है कि वो चाहते तो अपने है ना अपना ट्रस्ट का नाम बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने चर्च का नाम कलवरी चर्च रखा। अगर स्कूल शुरू किया तो उन्होंने अपने स्कूल का नाम कलवरी स्कूल रखा। क्यों? क्योंकि उनको याद है कि उनके पीछे क्या क्या मेहनत की गई है, कितने आंसू उनके लिए बहाए गए हैं। प्रियो, हम में से हर एक के लिए हमारे पास जी दुआ करते हैं, उनका समूह दुआ करता है। सबसे बड़ी बात, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है, हालेलुया। ये हमारा सौभाग्य है प्रियो, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात, इट्स अ प्रिविलेज, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम उसकी आत्मिक आशीषों का लाभ उठा पाए। उसी के साथ साथ जब हम सौभाग्यों पर गौर करते हैं तो परमेश्वर ने सौभाग्य के साथ हमें जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने सौभाग्य के साथ हमें जिम्मेदारी दी है। जैसे वो गीत कहता है कि खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को रहन देना होगा, बचाना होगा। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारे जितने भी पितागण यहाँ पे बैठे हैं, जब क्योंकि पिता का साया एक ऐसा साया होता है कि वो अपने आप को धन्य समझते हैं। मुझे जब मेरे पापा जी मुझे देखते हैं तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियाँ हैं और जो हमेशा पूरी करते हैं, अब तक पूरी करते आए हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिए हैं, लेकिन सौभाग्य के साथ साथ वो चाहता है जितने बड़े सौभाग्य है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और परमेश्वर ने हम में से हर एक को सौभाग्य दिया है और हर एक को उसी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी दी है। प्रभु के पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं। पिछले रविवार से मैंने ये एक सीरीज शुरू करी है,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस, या हम कह सकते हैं सौभाग्य, हमारे सौभाग्य और हमारी जिम्मेदारियाँ। और इस इन बातों पे कुछ समय के लिए हम कुछ रविवार हम बिताएंगे। जब भी परमेश्वर मुझे मौका दे तो इन बातों से हम मनन करेंगे। हमारा जो पूरा टेक्स्ट है, जो पूरा वचन का हमारा श्रेष्ठ है, वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय में। अगर आप उस मैं चाहूँगा कि आप घर जाके इस पूरे अध्याय को पढ़ें। हाँ, इट्स अ वेरी वंडरफुल चैप्टर। हाँ, परमेश्वर ने इस वचन में से मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरा मानना है कि परमेश्वर आपको भी सिखलाएंगे और आपको भी परमेश्वर बताएगा। जब भी मैं एक किसी चीज़ की पर्टिकुलरली स्टडी करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उस किताब के बैकग्राउंड में समझता हूँ कि इसका पृष्ठ किताब किस लिए लिखी गई थी, किसको लिखी गई थी, कौन लेखक था। और उसके बाद फिर मैं उस अध्याय पे आता हूँ जिस अध्याय को है ना मैं अपने सामने रख रहा हूँ। और उसी प्रकार से मैं आपके सामने भी बांटना चाहूँगा कि ये 7वां अध्याय, पहले हम व्यवस्था विवरण की बात अगर देखें तो पहली 5 किताबों में से ये आखिरी 5वीं किताब है। ये आखिरी 5वीं किताब है जो कि मूसा ने इसराइलियों को लिखी थी। और जब इसराइली कनान देश में प्रवेश करने वाले थे, तब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी। और जो आखिर के निर्देश हैं, वो सारे निर्देश इस हम पाते हैं कि बुक में या किताब में पाए जाते हैं। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि इस किताब से 1/3 जो हम कहते हैं US है, उसका 1/3 संविधान व्यवस्था विवरण है। 1/3 संविधान जो है, जैसे हमारे भारत का संविधान है, कुछ भाग हम हमारे संविधान में, हमारी बाइबल में से कुछ बातें संविधान में भी आई हैं, उसी प्रकार से US में 1/3 जो भाग है वो व्यवस्था विवरण का है। और जब हम ये छोटा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, वैसे बहुत बड़ी बात है ना, बहुत डीप स्टडी है व्यवस्था विवरण के बारे में, मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया। और मूसा इस पत्री को लिख के अपने जीवन को वो उत्तीर्ण करता है। उसके बाद फिर हम आते हैं 7वें अध्याय के बैकग्राउंड में। 7वां अध्याय क्यों लिखा गया? 7वां अध्याय परियों इसलिए लिखा गया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग जो हैं वो अलग रहे, सेपरेटेड रहे, है ना, कॉन्सक्रेटेड रहे, अर्पण के लिए, है ना, जो वस्तुएं परमेश्वर चाहता था कि अर्पण के लिए अलग की जाए, वही, है ना, परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग जो अर्पण किए जाने वाले लोग हैं वो लोग अन्य जाति लोगों से अलग रहे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई जी साहब, हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अविश्वासी हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा क्या? मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ, बहुत वेरी गुड एग्जांपल जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारी मम्मी जी एक बहुत अच्छी टीचर है। और फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन टीचिंग? 25 साल से ज़्यादा उन्होंने अपना पढ़ाने का जो काम है वो किया है। और बहुत उनके हाथ के द्वारा पढ़े लिखे बच्चे बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे आज है ना सेटल्ड हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे। कभी कभार मौका पड़ता है तो बात भी करते हैं, कभी कभार रास्ते में मिल जाते हैं। खैर, टीचर होने के बावजूद मेरी मम्मी जी ने एक चीज़ मैंने उनसे सीखी कि वो हर एक टीचर को यीशु मसीह के बारे में ज़रूर बताती थी। उनसे दोस्ती करने का मुद्दा ही इसलिए होता था कि वो टीचर या वो बहन प्रभु यीशु मसीह को जान ले। और कभी कभार ऐसा होता था, मैं आपको साफ साफ बताऊं, है ना, कि वो बात इधर उधर घुमा लेते थे। वो अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए वो हाँ में हाँ भरते थे। लेकिन मम्मी जो हैं हमारी, वो उनके साथ अगर वो इस बात को समझ गई कि हाँ से दोस्ती को कायम बनाना है और विश्वास को धारण नहीं करना, अपने आप वो वहाँ से साइड हो जाती थी और दूसरे टारगेट की ओर बढ़ती थी और उस व्यक्ति के लिए वो लगातार प्रार्थना करती रहती थी। ऐसी मेरी खुद की बहुत सारी ऐसे टीचर्स हैं जो इस हॉल में आई हैं, सेवरल टीचर्स, बहुत सारी टीचर्स, बच्चे हमारी, मेरी खुद की यहाँ पे चर्च में आती सिस्टर आयरिस, आयरिस मैम, वो मेरी टीचर रह चुकी हैं। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, छुप छुप के उनको बाइबल प्रदान करी, उनको छोटी छोटी बातें परमेश्वर के बारे में बताई। कहने का तात्पर्य क्या है प्रियो, मैं क्यों ये सारी बातें बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारी बातें इस वचन पर आधारित है। हाँ, अगर आप शुरू इस वचन का करें तो वहाँ पर लिखा है कि ना हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी, यबूसी, अनेक बहुत सी जातियाँ हैं। और अलग अलग चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से बताया जाता है कि परमेश्वर है ना उन सारे लोगों को इसराइलियों से भिन्न ठहराता था। है ना, हम लोग
हम आप अगर आएंगे हमारी प्रार्थना में तो एक बहुत बड़ा एम्फेसिस हमारे पास्टर देते हैं एक बात पे, प्रचार में भी बहुत बड़ा उन्होंने दिया है कि विश्वासी और अविश्वासी में परमेश्वर अंतर करता है, हाँ ही डिफरेंशिएट्स, वो अंतर करता है। आप अगर विश्वास में हैं ये हमारे लिए बहुत बड़े आनंद की बात है कि हम विश्वास में और हम परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग अलग, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो विश्वास में हैं लेकिन उन्होंने परमेश्वर के भवन में आना उचित नहीं समझा या उनको पता नहीं कौन से बंधन ने उनको जकड़ लिया और वो भवन में नहीं आ पाए। लेकिन हम जो विश्वासी हैं हम कलीसिया के बगैर रह नहीं सकते, हम कलीसिया के बगैर हम जी नहीं सकते। एक जवान ने इस प्रकार से मुझसे कहा, हम चाहते हैं कि हमारी जवानों की सभा शुरू हो। एक जवान ने जो हमारी कलवरी कलीसिया में आते हैं इस प्रकार से मुझसे कहा कि मैं हर एक चीज़ जो आंटी जी मुझे बताती है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक है ना कोहिनूर है, हाँ उसको मैं इतना जतन करके रखूं कि वो कभी छूट ना जाए। हाँ परमेश्वर ने हम में से हर एक को एक ऐसे स्थान पे रखा है कि हर एक बात जो परमेश्वर के वचन से हमारी ओर आती है वो एक बहुत अनमोल पदार्थ है, हाँ एक बहुत अनमोल पदार्थ है। खैर ये सारा इंट्रोडक्शन था, ये आपको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये कर रहा था। सबसे पहली बात पर आज हम मनन करेंगे, जब हमें सौभाग्य मिला है, सबसे पहला हमारा सौभाग्य ये है ना कि हमसे पहले हम इसराइलियों को अपने सामने रखेंगे और उसके बाद हमें अपना ताल्लुकात, अपना लिंक उन इसराइलियों के साथ जोड़ूंगा। हम क्योंकि आत्मिक इसराइली है, हालेलुया, हम आत्मिक इसराइली हैं। आप लोग गौर नहीं हो रहे, बढ़ने को तैयार हैं, ऑल राइट ठीक है। तो पहली बात, इसराइलियों को परमेश्वर ने कहा कि तुम चुने हुए लोग हो। आप घर जाके पढ़ सकते हैं छठवा वचन, हाँ द लॉर्ड दाई गॉड हैड चोजन दी, हाँ परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तुझे चुना है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, अगर हम थोड़ा सा आगे आए भजन संहिता में, इस प्रकार से कहता है, इससे पहले कि मैं गर्भ में ही रचा गया, इससे पहले कि मेरी हड्डियां गर्भ में रची गई तूने मेरे नाम को लेकर मुझे पुकार लिया। हाँ एक बार सोच के देखिए, हमारे बीच में अच्छे अच्छे डेडिकेशन होते हैं, क्यूट क्यूट बेबीज आते हैं, है ना, पास्टर जी के पास लोग आते हैं, परामर्श लेते हैं, पास्टर जी क्या नाम रखे इस बच्चे का, क्या हम उनसे बात करें, क्या उनसे बात तो करेंगे, क्या उनका नाम रखे उनसे, हम उनके लिए हम क्या उनके लिए कौन सा नाम अच्छा रहेगा। और पास्टर जी प्रार्थना के द्वारा या उनको जो पवित्र आत्मा मन में उनको नाम देता है उस नाम का नामकरण हाँ इस सभा में होता है या हमारी संडे सर्विसेज में होता है। लेकिन प्रिय एक बार सोच के देखिए कि इससे पहले कि उस बच्चे का नामकरण भी हो, परमेश्वर ने पहले से ही, उसको पता है परमेश्वर को कि इसका नाम ये होने वाला है और उसको परमेश्वर पहले से ही चुन लेता है। आज यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, इससे पहले कि आप गर्भ में जन्माए भी गए, इससे पहले कि आप अपनी माँ की भी कोख में आए, परमेश्वर ने आपको सबसे पहले चुन लिया। हालेलुया, हाउ अमेजिंग थिंग इट इज, हाँ हमारी कोई है ना एग्जिस्टेंस ही नहीं था प्रियो। अभी मेरा एक मित्र है और पास्टर फ्रेंड है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो इतने अच्छे अच्छे सपने सजाते हैं कि ही इज़ अ म्यूजिशियन और वो कहते हैं कि अगर लड़का होगा तो फॉर श्योर कीबोर्ड डेस, अगर लड़की होगी तो ये वो। लेकिन परमेश्वर ने गर्भ से पहले ही हमारा नाम रख लिया है, हमारा नाम लेके हमें पुकार लिया, हमारे लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट निकाल लिया, अगर हम उसकी इच्छा के मुताबिक चलेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर ने आपके लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है। आप हो सकता है कि है ना आपके बच्चे हो गए हों, उसके बाद आप परमेश्वर के पास आए हों, है ना, यह आप वो आपके लिए एक नियुक्त समय था। हो सकता है कि आपने अपनी बुजुर्गी में परमेश्वर को अपनाया होगा, वो आपके लिए एक नियुक्त समय था, इट वॉज एन अपॉइंटेड टाइम बट यू वर चोजन। हालेलुया, आप चुने हुए थे, परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुना हुआ था। हाँ अगर हम इस चुनने की जो प्रक्रिया है ना प्रियो, इसको हम थोड़ा सा और इसकी गहराई में हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका चौथा वचन, क्या लिखा है वहां पे। हाँ हाँ जी, अब थैंक यू सो मच, है ना, अब तक तो हम देख रहे थे कि हम अपनी माँ की कोख में आने से पहले परमेश्वर ने हमारा नामकरण करके हमें है ना चुन लिया। लेकिन यहाँ पे बहन पढ़ रही है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, जब कुछ था ही नहीं, जब परमेश्वर ने अपने मुख से शब्द को भी नहीं कहा था, हाँ आगे, हाँ कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों,
एक और वचन आप अगर घर जाके पढ़ सकते तो अच्छा रहेगा, रोमियो की पत्री 8 उसका 28वां वचन आप अभी पढ़ सकते हैं। हाँ, क्या लिखा है वहां पे? हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो चुना हुआ हूं तो चुन के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चुन के कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी पाप कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। फिर से अगर आप पढ़ेंगे उस वचन को, क्या लिखा है वहां पे उसका दूसरा भाग? जी, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रिय परमेश्वर की इच्छा थी कि उसने हमें चुना, उसने हमें बुलाया, उसकी इच्छा थी। हाँ, होने पाए कि हम उसकी इच्छा के अनुसार लोग बनने पाए। उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। हाँ, पहली बात, परमेश्वर ने हमें चुना। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हाँ, हम सबसे पहले इसराइलियों के जीवन में अगर गौर करें तो 8वां वचन बताता है दैट यू नो द लॉर्ड रिडीम्ड यू आउट ऑफ इजिप्ट। वर्स 8 सेज सो द लॉर्ड रिडीम्ड यू आउट ऑफ इजिप्ट। मिस्र क्या था? मिस्र एक है ना, एक मूर्ति पूजक देश था। हाँ, एक ऐसा देश था जहां पे सारे अन्य जाति लोग रहते थे, लेकिन एक ऐसे देश से परमेश्वर ने इसराइलियों को बाहर निकाला। कितने आनंद की बात है प्रियो। किसकी सेवा कर रहे थे? वो एक ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे थे जो इसराइलियों को परमेश्वर की उपासना करने से रोकता था, परमेश्वर के लिए परमेश्वर की निकटता में जाने से एक ऐसा राजा जो लोगों को रोकता था, एक ऐसे लोगों की वो सेवा कर रहे थे। प्रियों, आज हम किसकी सेवा करते हैं? अनेकों बार हमने सुना है कि ऐसी नौकरियां हमारे कलीसिया के जवानों ने छोड़ी है, जब उनको बोला गया संडे को आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, संडे को आपको यहाँ पे आना है। उन्होंने उस फिरौन को त्याग दिया, उन्होंने उस मिस्र को त्याग दिया, उन्होंने अपने आप को, इससे पहले कि वो उस दासत्व के जुए में जाएं, उन्होंने अपने आप को पहले ही वहां से दूर कर दिया। अनेकों बार हमने गवाहियां सुनी है, मैंने जॉब तो जॉब में मैंने हामी भर दी, उसके बाद भी मैं संडे को नहीं जाया करती थी। काट लो जी, संडे का पैसा काटना है तो मुझे परवाह नहीं है। क्यों? फिरौन की सेवा नहीं करूंगी मैं, फिरौन की सेवा नहीं करूंगा मैं, मेरा परमेश्वर यहोवा सबसे सर्वप्रथम मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया है, फिरौन के हाथ से उसने मुझे छुड़ाया है। फिरौन कौन है प्रियो? कोई भी एक ऐसी चीज जो हमें परमेश्वर की निकटता में जाने से रोकती है। हमेशा हमारे पास जी हमसे कहते हैं, क्या हम अपने पैसे का दशमांश तो हम जरूर देते हैं, अगर नहीं देते तो हम देना शुरू करें, लेकिन क्या हम अपने समय का दशमांश देते हैं? अपने समय का दशमांश, एक समय का दशमांश एक ऐसा दशमांश है जो आराम से ना चुराया जा सकता है। कैसे बीत गया लॉकडाउन है? कैसे बीत गया स्विफ्टली? 7 to 8 months, शक, we don't know, लेकिन अब कोई बोलता है फिर से लॉकडाउन होने वाला है, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, प्रभु जी अब नहीं होना चाहिए, क्रिसमस निकल जाए बस। हाँ, हमारा क्रिसमस निकल जाए बस। 7 to 8 months कैसे निकल गए प्रियो? अचानक से। लेकिन इन 7 से 8 महीनों में कितने लोगों ने सच में परमेश्वर से प्रार्थना करी, कितने लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ी? 7 से 8 महीनों का समय परमेश्वर ने हमें दिया था प्रियो। हाँ, ये एक ऐसा समय था कि घर में ही रहो, अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो और उसकी सेवकाई करो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसी धर्मी दासियों के लिए जो स्टाफ नर्स का काम करके भी फिर भी प्रार्थना के लिए समय निकालती थी। लेकिन हम जो सामान्य लोग हैं, हमको परमेश्वर ने छुट्टी दी थी, ये समय था कि हम परमेश्वर की और निकटता में जाएं। प्रियो, देरी अभी भी नहीं हुई है, अभी फिर से हम अपने ही आप को बढ़ाएं, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें, हर रोज बाइबल पढ़ना शुरू करें, हर रोज प्रार्थना करना शुरू करें, पास्टर के साथ एक मन हो, बुराई की आत्मा को छोड़े, प्रार्थना पवित्रता प्रचार में बढ़ना शुरू करें। क्यों? क्योंकि हम छुड़ाए हुए लोग हैं, वी आर रिडीम्ड वंस। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 13वां वचन, क्या लिखा है वहां पे?
मल्ती की पत्री तीसरा अध्याय उसका 13वां वचन। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। डन। उसने इसके बजाय कि हम उस काठ पे लटकाए जाएं, प्रभु यीशु मसीह खुद लटक गया, वो खुद हमारे लिए श्राप बन गया। हाँ, उस समय लोग क्या करते थे, होम बलि करते थे, मेल बलि करते थे, ऐसी बलि करते थे, और आज शैतान ने इस संसार के परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अंधा किया हुआ है कि वो उन सारी प्रैक्टिसेस को, उन सारे प्रचलनों का अभी भी पालन करते हैं, न जानते हुए कि कोई उनके लिए पहले से ही श्राप बन चुका है, न जानते हुए कि कोई उनके लिए पहले से ही किसने कीमत चुका दी है, और वो श्राप अब उनके, अगर वो उस नाम को अपनाएंगे, उस यीशु के उद्धार को अपनाएंगे, तो वो श्राप उनके जीवन से चला जाएगा, कोई उनके लिए पहले से श्राप बन चुका है। Someone has already redeemed them. We are already redeemed. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें पहले से ही छुड़ा लिया है। हम प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, ना कभी कभार हम सोचते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कैसे अपने जीवन में हम उत्तीर्ण हो पाएंगे, कैसे अपने जीवन को हम आगे ले चल पाएंगे। एक बार की बात थी प्रियो की, एक छोटा सा बच्चा था और उसने अपने पापा से कहा, पापा जी मैं नहीं जानता कि मेरे एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स आएंगे, मैं नहीं जानता कि मैं, उसका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं था लेकिन उसका एग्ज़ाम होने वाला था, और वो बच्चा कहता कि पापा जी मुझे पता नहीं मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खासतौर से मैथ्स और ऐसे भारी भारी सब्जेक्ट्स मेरे बिल्कुल सर के पार होकर निकल रहे हैं। अब पापा जी उसकी टेंशन समझते हैं, टेंशन समझ के पापा जी उसको बहुत अच्छे ट्यूशन में दाखिला कराते हैं और उसको अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कराते हैं, है ना। जो शर्मिंदगी या जो हार या जो हम कह सकते हैं जो हताशा उसको सहनी थी, वो पिताजी खुद अपना पैसा जाया करके, है ना, आप ट्यूशन फीस जानते हैं कितनी महंगी हो चुकी है, बाप रे, हाँ 20,000 रुपीज़ 40,000 रुपीज़, हाँ एक बारी में वो सब कुछ सफाचट कर लेते हैं। उस पिता ने, उस पिता की अच्छी आमदनी नहीं थी, लेकिन उसकी सारी शर्मिंदगी को उस पिता ने पहले से ही अपने ऊपर ले लिया, सारे पैसे पिताजी ने दे दिए और उस बेटे को अच्छे ट्यूशन में पढ़ाया, और वो बेटा जब वो रिजल्ट लाता है तो अपने, है ना, अपना मुँह रोशन करता है, अपने पिताजी का मुँह रोशन करता है। उसके पिता ने उसको उस शर्मिंदगी से बचा लिया, छुड़ा लिया। वैसे हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें उस शर्मिंदगी से छुड़ा लिया, बचा लिया। वी आर रिडीम्ड वंस। परमेश्वर ने हमें बचाया प्रियो, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया प्रियो। उन्हें पाए कि उस छुड़ौती का हम अच्छा फायदा उठाएं, इस छुड़ौती का हम अच्छा और पूरा अच्छा फायदा उठाएं। प्रभु के नाम का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हम और आगे बढ़े, लेकिन तकरीबन 3:30 बजे यहाँ पे फिर से एक और रिकॉर्डिंग है, हमें यहाँ पे समाप्त करना होगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में फिर से आगे बढ़ेंगे इन्हीं सीरीज में, इलाइचीपुर में और अपने दूसरी कलीसिया में जब मैं जाता हूँ तो लोग इस सीरीज का बहुत आनंद उठा रहे हैं। तो आप बी वेल प्रिपेयर्ड, प्रार्थना के साथ आएं और प्लीज इस 7वें अध्याय को पढ़ के आएं, अगले से अगले रविवार को, अगले रविवार पास जॉली हमारे बीच में वचन लेके आएंगी, लेकिन उसके अगले रविवार जब हम फिर से इस वचन से मनन करेंगे, 7वें अध्याय को पढ़ के आइए, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए और आपकी कृपा के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके पिता परमेश्वर बेशकीमती लहू के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस पुराने नियम की पिता परमेश्वर पुस्तक को पिता परमेश्वर हमारे सामने समझा कर हमें बताया है कि हर एक काम प्रभु यीशु ने पूरा कर लिया है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर प्रकार के वो सौभाग्य प्रदान किए हैं, और अब प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उन सारी जिम्मेदारियों को भी अपने जीवन में हम पूरा करें। पिता परमेश्वर होने पाए कि हम अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार बिताएं, अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर उत्तीर्ण कर पाए, जी हम प्रार्थना करते हैं। आए हुए हरे दास दासी पर तेरी बड़ी बरकत और तेरी बड़ी आशीष हो, उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार तो होने दे, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य तो होने दे। हम
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनके ऑफिस में तू उनके सर को ऊंचा उठा, उनके पिता परमेश्वर घरों में हर प्रार्थना की कमी घटी को तू पूरा कर पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में ये पिता परमेश्वर खाली कुर्सियां भर जाए पिता परमेश्वर, और एक और सभा यहाँ पे शुरू हो पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी अपने स्वर्ग भंडार से हर एक कार्य तू पूरा कर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान और गौरव देते हैं राजा। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, तेरे कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। भाई हम सब आखिरी आशीष के लिए खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ, उनके परिवारों के साथ, उनके प्रियजनों के साथ, कलवरी परिवार के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे।